तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो शुक्रिया उसके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं तो फाइनली पबजी पीसी लाइट आज यानी 29 अप्रैल 2021 को बैन होने वाला है। फाइनली बैन नहीं, शट डाउन कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसका सारा सपोर्ट आज बंद कर देंगे। अगर आपने पबजी पीसी लाइट डाउनलोड किया हुआ है तो आप आज के बाद से नहीं खेल पाएंगे। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पबजी पीसी लाइट बैन होने का कारण जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री। तो पबजी पीसी लाइट दरअसल पबजी पीसी का ही लो एंड वर्सन है, क्योंकि जब पहले पबजी पीसी लॉन्च हुआ था तब उसके लिए पीसी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही हाई एंड लगता था, एंड लो एंड डिवाइसों में पबजी पीसी उतने अच्छी तरह से नहीं चल पाता था। कंटिन्यूसली लैग एंड फ्रेम ड्रॉप होता था लो एंड पीसीज में, एंड आपका जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब जाता था, एंड 60 FPS अचीव करने में आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था, जो कि एक ई स्पोर्ट्स टाइटल के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। दुनिया में जितना भी RTX 2080 या फिर ज़्यादातर हाई एंड पीसी कितना भी बिक जाए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ गेमर्स लो एंड डिवाइस एंड मीडियम पीसी में ही खेलते हैं। तो इसलिए कंपनी ने सोचा अगर हम पबजी पीसी का एक लाइट वर्जन निकाले तो जो मेजोरिटी ऑफ लो एंड मीडियम एंड पीसी यूज़ करते हैं जो सब गेमर्स, वो भी पबजी का मज़ा ले पाएंगे। तो इसलिए कंपनी ने पबजी पीसी लाइट निकाला, एंड जहां पर पबजी पीसी का साइज़ 60 GB के आसपास है, वहीं पर ही पबजी पीसी लाइट का साइज़ ओनली 4 GB है। तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर होने वाला था, एंड इसका हाई भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सबको लगा था कि वो लोग अपने लो एंड डिवाइसों पे ये पबजी पीसी लाइट खेल पाएंगे। तो 2017 के शुरू में पबजी पीसी लाइट बीटा टेस्टिंग के लिए आ गया, एंड ये थाईलैंड वाले प्लेयर्स के लिए अवेलेबल था, एंड 23 मार्च 2017 को पबजी पीसी लाइट फाइनली ग्लोबली लॉन्च हो गया था। एंड इसका एक अच्छा बात यह था कि हमारे इंडिया के लिए भी एक अलग से सर्वर मुंबई में भी लगाया गया था, तो इसके वजह से हम जो इंडियंस है उनको सिर्फ इंडियन सर्वर में ही मैच मेकिंग होता था, एंड इससे हमें सारे इंडियन प्लेयर ही गेम में मिलते थे। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा था। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या थे रीज़न कि क्राफ्टन को उसका पबजी पीसी लाइट वाला वर्शन शट डाउन करना पड़ा आज। तो चलिए जान लेते हैं कि कारण। तो पहला कारण है कि तो फर्स्ट रीज़न है पॉपुलैरिटी। पबजी पीसी यानी क्राफ्टन का जो मेन गेम थी वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन उसके बाद ही उसका कंपटीशन में बहुत सारे गेम मार्केट में आ गए थे, जैसे कि एपेक्स लेजेंड एंड फोर्टनाइट। उसके बाद ही लो एंड डिवाइसों के लिए आ गया था वैलोरेंट, एंड CS:GO तो पहले से ही था। तो ज़्यादा कंपटीशन के होने के चक्कर में पबजी पीसी लाइट को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला, क्योंकि प्लेयर्स पहले लॉन्च हुए पबजी पीसी को ही खेलना चाहते थे, क्योंकि पबजी पीसी लाइट में ग्राफिक्स पबजी पीसी के तरह उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये उतना पॉपुलर भी नहीं हो पाया। सेकेंड रीज़न है पुअर अपडेट। आप मानो या ना मानो, हर गेम का एक मेन मोटिव होता है अपडेट को हर महीने एक ना एक अपडेट देते रहना, क्योंकि उससे गेम में जो ग्लिचेस एंड बग्स है वो क्लियर अप हो जाते हैं। लेकिन पबजी पीसी लाइट के केस में ये नहीं था, क्योंकि कंपनी इस गेम के लिए अपडेट बहुत ही लेट देते थे, एंड अपडेट तो ना के बराबर ही आता था, एंड एक साल में एक अपडेट आपको मिलता होगा, इसलिए ये गेम बहुत ही बगी एंड ग्लिची हो रहा था धीरे धीरे। थर्ड रीज़न है हैकर्स, लॉट्स ऑफ हैकर्स। आप मानो या ना मानो, पबजी पीसी लाइट में अपडेट पूर्ण आने के वजह से हैकर्स इस गेम में पूरा भर गए थे। आप TDM खेलो या फिर क्लासिक मैच, आपको हैकर्स मिलते ही मिलते होंगे। अगर आप 10 गेम खेलोगे तो 8 गेम में तो आपको हैकर ही मार देंगे, एंड अब मैप के किसी भी कोने में हो आप एक उड़ते हुए गाड़ी या फिर एक लॉन्ग शॉट स्नाइपर किल से तो मरेंगे ही मरेंगे। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, इसलिए ये गेम बहुत सारे लोगों ने खेलना छोड़ दिया, एंड इसके वजह से और एक पॉइंट पे यहाँ पर ही कवर अप कर लेता हूँ। हैकर्स ने इस गेम को बर्बाद करने के बाद इस गेम में बहुत सारे बॉट्स मिलने लगे। हाँ, अगर आप एक ऑनलाइन मैच में सिर्फ बॉट्स ही मारेंगे तो आपका इंटरेस्ट तो वैसे भी चला जाएगा,
इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स ये गेम छोड़ने लगे। एंड फोर्थ रीज़न है पबजी का खुद का ही गेम पबजी मोबाइल, जो कि इतना फेमस हुआ था इंडिया, चाइना एंड बाकी कंट्रियों में कि उस गेम की वजह से ये पबजी पीसी लाइट पीछे रहेगा। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि पबजी मोबाइल तो एक मोबाइल का गेम है। तो हाँ दोस्तों, इंडिया में कंप्यूटर गेम तब उतना पॉपुलर नहीं था, धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है अभी भी, तो लोग तो फ़ोन में ही गेम खेलना पसंद करते थे, इसलिए पबजी मोबाइल बहुत ही फेमस हुआ। लेकिन जब लोगों ने कंप्यूटर गेम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, तब भी कुछ इतने फेमस यूट्यूबर्स वो लोग पबजी पीसी लाइट की जगह पबजी इमुलेटर पे खेलने लगे, यानी पबजी मोबाइल कंप्यूटर पे। इसकी वजह से जो सारे कंप्यूटर वाले प्लेयर थे वो इमुलेटर पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि पबजी मोबाइल कंप्यूटर में खेलना आसान है मोबाइल के जगह, क्योंकि इसमें आप कीबोर्ड से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन पबजी पीसी लाइट वहाँ पर असली अनरियल इंजन वाले मैकेनिक्स की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा रियलिस्टिक है। इसके वजह से जो सारे पीसी गेमर्स थे वो धीरे धीरे इमुलेटर पे शिफ्ट होने लगे, एंड इसके वजह से जो मेन कंप्यूटर का ही गेम था वो पीछे रहेगा, एंड इंडियन ऑडियंस या फिर जो भी सारे देश के ऑडियंस थे वो पबजी मोबाइल को ज़्यादा लव करने लगे पबजी पीसी लाइट की जगह। एंड इसके बीच में आया लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन के वजह से पबजी पीसी लाइट में उतना मुनाफा नहीं होने के कारण मुझे लगता है इसलिए पबजी वालों ने पबजी पीसी लाइट बंद कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में भी ये गेम उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं पबजी का एक ही गेम यानी पबजी मोबाइल पबजी के दूसरे गेम यानी पबजी पीसी लाइट को हरा दिया कंपटीशन में, एंड वो टिक गया एंड पबजी पीसी लाइट हार गया, एंड इसलिए अभी वो बंद होने वाला है, क्योंकि पिछले ही साल लॉकडाउन में जो मुंबई वाला सर्वर था वो बंद हो चुका है। एंड इस साल 2021 के शुरुआत में ही पबजी वालों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इस साल के 29 अप्रैल को ये गेम बंद हो जाएगा। तो फाइनली वो गेम आज बंद हो चुका है, एंड पबजी का दो न्यू गेम तो आने ही वाला है, पीसी के लिए एक गेम एंड मोबाइल के लिए पबजी न्यू स्टेट। आशा करते हैं वो गेम टिक जाए एंड वो गेम हम खेलेंगे फ्यूचर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा गेमिंग के रिलेटेड। तो चलिए, गुड बाय।